इंटरनेट जिसका जिसको आप जानते होंगे, इंटरनेट एक इसकी अलग ही दुनिया है। इंटरनेट की बहुत सारी वेबसाइट है और वेबसाइट बहुत सारी मज़ेदार होती है। तो मैं आज आपको एक पांच अद्भुत और मज़ेदार बताने वाला हूँ। तो इन पांचों मज़ेदार वेबसाइटों को आप देखिए और मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो चौथी वेबसाइट है वो है जूम क्वाल्ट। तो ये जूम क्वाल्ट जैसे वेबसाइट है जो ये ओपन होती है तो आप इसको देख के आप भी दंग रह जाओगे। क्या वेबसाइट है इसमें, ये वेबसाइट में आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, क्या इमेज कुछ इस तरीके से दिखती है। जितना आप इसको क्लिक करते जाओगे उतनी ये जूम होती जाएगी, उतनी जूम होती जाएगी। आप जितना चाहो उतना क्लिक करते जाओगे उतनी ही जूम होती जाएगी। बिल्कुल ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये जूम होती जाएगी, और ये जूम होती हुई तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप इसे रोकना नहीं चाहोगे। बिल्कुल ये इस तरीके से जूम होती जाएगी कुछ इस तरीके से, देखिए जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक जाती जाएगी। ये देखिए अब ये वहाँ होते हुए जहाँ जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जा सकती है ये इमेज। ये रुकेगी नहीं, मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये रुकेगी नहीं। मतलब कि एक इन्फिनेट वेबसाइट है जिसकी इमेज का कोई भी अंत नहीं, यानी कि किस इस इमेज का बिल्कुल भी एंड नहीं है। ये आती ही जा रही है, जूम होती जा रही है, एक के बाद एक वेबसाइट इसमें ओपन होती जा रही है। मतलब कि वेबसाइट नहीं मगर इसमें एक के बाद एक जो इमेजेस है वो ओपन होती जा रही है। कहीं ना कहीं से निकल के देखिए अब ये इमेज कहाँ से निकलती जा रही है। इस इंटरनेट की जो थर्ड नंबर की वेबसाइट है वह और भी गजब है। जैसे ही मैं उस वेबसाइट को खोलता हूँ तो आपको बताता हूँ, ये वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख रहा होगा जो कि हैंग कर रहा है, वेव कर रहा है वाइंड के साथ में। अब जैसे ही आपको यहाँ पे वाइंड दिख रहा होगा, मैं वाइंड को करता हूँ ऑफ, तो ये देखिए इस तरीके से ये फ्लैग ऑफ हो जाता है। और जैसे वाइंड को ऑन करता हूँ तो ये वाइंड यानी कि ऑन होने लग जाता है। अब यहाँ पर आप इसको पूरे अपने हिसाब से पूरे अपने अंडर में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर करते हो क्लिक, तो आपको यहाँ पर जैसे कि इसको किस तरफ रखना है। जैसे कि मैं सिनिस्टर पर करता हूँ तो ये इस तरफ हिलता है, और जैसे आप इसका ओरिएंटेशन जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लेफ्ट की तरफ हो जाता है। उसके बाद जैसे स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हो जैसे कि ये राइट, तो ये कुछ इस तरीके से इमेज हो जाती है। अब इसके बाद आप इसको चाहे जितना जैसे कि वाइड कंट्रोल करना चाहते हो तो वाइड कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करो, और जैसे कि आपको नॉर्थ में रखना है इसका जो डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ में हो जाएगी, ये ईस्ट में रखना चाहते हो ईस्ट में हो जाएगी। अब इसकी स्पीड भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे इसकी स्पीड आपको रखनी है जैसे कि ये देखिए 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो चुकी है, और ये इसकी स्पीड सबसे कम 0 पे ये बिल्कुल, और ये देखिए 10 पे ये 12 पर। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि क्लासिक, जैसे कि इसका ब्लू स्काई, ये देखिए बिल्कुल आप इसको जो अपना हिसाब से रख सकते हो। है ना गजब की वेबसाइट, अमेजिंग। और यहाँ पर आप आपका URL लगा के और अपना कुछ भी URL जिसका भी जैसे कि यूट्यूब चैनल का या कोई वेबसाइट का वो लगाते हो तो उसी वेबसाइट चैनल के नाम पर आपका जो है फ्लैग बन जाता है। जैसे कि मेरा भी URL एरर बता रहा है तो मैं इसको थोड़ा सही करूँगा। चलते हैं इंटरनेट की जो सेकंड गजब वेबसाइट है उस पर। तो चलिए दूसरे वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन हो रही है तो ये जैसे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एल्गोरिथिमा। एल्गोरिथिमा में आपको यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हो, जैसे कि मैं इसकी डेस्कटॉप देख लेता हूँ वो ऑन है या नहीं। जैसे यहाँ पे आपको डेस्कटॉप ऑन है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप नीचे लाते जाओगे तो आपको यहाँ लिख रहा होगा कलराइज फ़ोटो। इस वेबसाइट के ज़रिए आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट पुरानी से पुरानी फ़ोटो को आप रंगीन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कोई मेरे पास से कोई अपलोड नहीं करके मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ और वो आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जो ये इधर ये दिख रही होगी आपको बफेलो की इमेज, जैसे कि ये बफेलो की इमेजेस मैं यहाँ पे लेता हूँ, और इसको जैसे ये कलराइज योर फोटो बता रहा है तो ये कलराइज होने लग गया है। अब ये कलराइज होने में थोड़ा लोड ले रहा है। जैसे ये कलराइज होता है तो आपको इस तरीके का यहाँ पर ये इंटरफेस बता देता है। देखिए जैसे कि मैं इसको इधर लाऊंगा और ये इधर देखिए आपको यहाँ पे तब ब्लैक एंड वाइट और इधर हो चुका है पूरा कलरफुल, यानी कि आप इसमें आराम से स्टूडियो में जाकर घर पर ही पैसे बचा सकते हो। और ये वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, इसको किस से बनाया गया है, किस तरीके से इसका एल्गोरिथम है, वो सब आपको इसमें दिख जाएगा। तो वेबसाइट पर आके एक बार ट्राई जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये जो वेबसाइट है सर, ये वेबसाइट बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है। तो अब चलते हैं हमारी जो वो लास्ट मतलब कि फर्स्ट वेबसाइट है तो उस पर चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं एक बार।
जैसे वेबसाइट, ये वेबसाइट का यूआरएल मैंने डाल दिया, उसके बाद जैसे मैं इसको लॉक करता हूँ, ये लॉक हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यू आर गेटिंग गोल्ड। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार ऐप है, बिल्कुल आपको बिल्कुल जो है आपको सब कुछ तरीके से पूरी जानकारी देने वाली है आपके, आप कितने ओल्ड हो। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा रखा दिस इज़ फॉर मी। अब जैसे दिस इज़ फॉर मी पे मैं जैसे कि यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दी 01, और यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ मैं 101, और यहाँ पे ईयर में डाल देता हूँ 2001, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे गो करना होगा, जैसे आप गो क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे गो क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा आपकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 1, 2001। उसके बाद आपको ये बताएगा कि आप कितने ओल्ड हो। तो आप बता रहा है इसमें 20 ईयर 3 मंथ्स और 12 ईयर डेज ओल्ड हो। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप कितने दिन ओल्ड हो। तो आपको यहाँ बता रहा है 7,407 दिन ओल्ड हो। उसके बाद बता रहा होगा और पुट डेट इट्स परसेप्टेड टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहा होगा पेटल ओलिवर, और आप यानी कि यहाँ पे डॉटर ऑफ जेमी एंड जूल ओलिवर, और यहाँ पर आपको और भी, और उसके बाद बता रहा होगा 3,014 डे ओल्ड टूडे। तो यानी कि हमें जो पर्सन गेटिंग ओल्ड 7,407 डेज ओल्ड टूडे आज, इस हिसाब से आपको बता रहा है। इतनी सारी मज़ेदार जानकारी है इसकी वेबसाइट, और भी आप जितने चाहोगे उतने चलते जाओगे। जैसे कि अब आपको यहाँ पे बताएगा ये कि योर द टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन ऑल योर बर्थडे केक्स फॉर, यानी कि आपने अभी देखा आपके बर्थडे पर 210 मोमबत्तियाँ जो जला चुके हो। उसके बाद बताएगा कि योर हार्ट, यानी कि आपका जो हृदय है वो कितनी बार धड़का है टोटल। उसके बाद बता रहा है आपने कितनी बार श्वास लिया है, और उसके बाद बता रहा है कि आप मून हैज ऑर्बिटेड द अर्थ 271 टाइम सिंस यू वर बॉर्न। उसके बाद ये और अमेजिंग जानकारी, मतलब ये पूरी आपकी जो जितनी भी है जो भी कुछ बता सकता है, सब कुछ बताता जाएगा। कितना ट्रेवल किया होगा, कितना आप गैलेक्सी तरफ देखे होंगे, कितना गैलेक्सी के बारे में सोची होंगी, कितनी मूवीज़ देखी होंगी, सब कुछ बताता जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ और जानकारी पूछता जाएगा, है ना, अमेजिंग वेबसाइट। तो ये सभी वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, और उसके साथ में जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।